जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। हम आप सबकी बहन आरती घोसी आरती घोसी ब्लॉग में आप सभी दीदी भैया को कर रहे हैं तहे दिल से स्वागत। तो आप सबके लाने एक बहुत खास जानकारी वीडियो में, जो कि आप सबके लाने देते रहते पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में, अपने बारे में जो भी हमें जानकारी मिला था, जो देवी लायक हुई, जो अच्छी लगे कि जो आप और आप औरों के लाने जानकारी की जरूरत है, तो हम आप सबके लाने भी जानकारी देवे की कोशिश कराते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के लाने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, और आप वीडियो के लाने लाइक, और चैनल को जो हमने सब्सक्राइब नहीं करवाया तो भाई चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। कैसे? वीडियो के लाने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करवे के पैसा नहीं लगाते हैं, ये है बिल्कुल फ्री सेवा। तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करने, अपनी बहन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने है, ताकि आपकी बहन आप अपने पैरों पर खड़े हो सके। वैसे अभी आप भी अपने पैरों पर खड़े हैं, लेकिन प्लीज सपोर्ट करो, आप सबको फर्ज है अपनी बहन के लाने। तो वीडियो में बढ़ रहे हैं आगे, तो आप सबके लाने बता दें बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगली कथा होने वाली है, कहां और कितनी तारीख से और कितनी तारीख तक। तो आप वीडियो में पूरा देखियो, ठीक है, पूरा नहीं देखा था आप और वीडियो पूरा देखियो, बहुत खास जानकारी दे रहे। तो पटना में, मतलब बिहार के पटना में गांधी मैदान में जो होने हैं बागेश्वर धाम सरकार की पांच दिन की मतलब कथा होने हैं, जो कि कार्यक्रम की आयोजित शुरुआत हो गई थी बहुत दिन पहले से, लेकिन आप सब के लाने पता ही हुई है कि कछु अवे एक दो कथाएं कछु कारण के बस निष्कारित हो गई हैं, मतलब रद्द कर दी गई हैं, लेकिन मतलब तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब एक की कथा की भी हम गारंटी नहीं ले रहे हैं कि एक कथा की भी तारीख आगे बढ़ जाए। कैसे? कथा की तारीख तो आ गई है 13 से 17 मई तक, जो कि कथा की तारीख है, लेकिन कछु जने अवैध से विरोध करने लगे हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के आदमी जो विरोध में उतरे आए हैं, उन मतलब और कह रहे हैं कि अनुमति नहीं दी जाए, कि रोकवे की मतलब मांग कर रहे हैं सरकार से, बिहार की सरकार से, जो राष्ट्रीय जनता दल वाले आदमी जो लोग हैं। अब हम कोई के विरोध तो है नहीं है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली वो आधार पे हम आप सब किराने वीडियो में बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के आदमी है जो कि विरोध प्रदर्शन कर लगे हैं कि कथा रोक दी जाए। अब का कारण है रोकवे को ये तो अब नहीं पता चलो है, खुल के सामने नहीं आ हुआ है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार अंधविश्वास फैलाते हैं, अपने बिहार के आदमों के लाने भी लूटवे की कोशिश करेंगे, लब करत है कर रहे हैं, और अब ते और आ हैं बिहार में पटना में, तो उनके लाने और ज्यादा अंधविश्वास फैले हैं और झूठ और ढोंग करत है कि हम आपकी समस्याओं को समाधान करत। ये हम तो नहीं कह रहे हैं, जी कौन को कह जो कि राष्ट्रीय जनता दल वाले हैं, जनता दल वाले आदमी है जो कहाँ के हैं कैसे हैं जो हम नहीं जानता है, लेकिन उनकी तरफ से जब बातें कही जा रही हैं जो वीडियो में आ रहे न्यूज में चल रही थी हेडलाइन, तो हमने सोची कि चलो आप सबके लाने ही बता दें। अब ये उनकी कथा तो होने हैं, लेकिन अब दो कथाएं हो गई हैं रद्द, आप सबके लाने पता है, एक मैहर की कथा हो गई है रद्द और दूसरी हो गई है अपनी ना कानपुर की भी कथा रद्द हो गई, जो कि अब आप सबके लाने पता ही है कि 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जो कि चल रही थी श्री हनुमत कथा को आयोजन होने, तो वो कछु कारण बस रद्द कर दा हुआ है। और मैहर की कथा भी का कारण है जो हमने आप सबके लाने वीडियो में बताई है जानकारी के का कारण है, लेकिन अब खुल के सामने तो नहीं आई है के मैहर की कथा की का बात हती। कछु जने जे कह रहे हैं कि राजनीति वाले लोगों ने रद्द कर दी है कथा, और कछु राजनीति वाले आदमी हैं जो कि बागेश्वर धाम सरकार के लाने कथा करवे से रोक रहे हैं, या कछु भी बात हुई हम कोई की तरफ तो है नहीं है, कौन हो भैया अपन गरीब आदमी का कौन की तरफ बोले और कौन की तरफ का है, जो सही है वो के साथ में है, जो गलत है अपन जो भी नहीं है पता को सही है को गलत है, कैसे कोई के अंदर पेट में तो पड़े नहीं है, कोई के मन की बात तो अपन जाना तो नहीं है, जे तो जाना तो अपने बागेश्वर धाम सरकार भी कैसे जाना तो उनके ऊपर है, बालाजी की कृपा है अपने ऊपर भी है, लेकिन अपन कहा है कि अपन इतनी सिद्धियां नहीं है, अपन कहा सिद्धियां, जब बागेश्वर धाम सरकार है तो अपन किलाने का जरूरत, अपनी तो वही समस्याओं का समाधान करें। और उनपे जो आरोप लगे हैं जो आप सब किलाने बता दें, जो बिहार के हैंगे जो मतलब जो आरोप लगाए हैं बागेश्वर धाम सरकार पे, कछु कछु महागठबंधन का कार्यक्रम बहुत हो तो उसमें बागेश्वर धाम सरकार के लाने रोकवे को विरोध कर दगा है, विरोध हो रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार की तक कथा न हो पाए। कल से भी कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार एक तो पहली बात जो लोगों की मन की बात बता देते हैं पर्चा पे लिख देते बिना जाने, और समस्याओं को समाधान करवे को भी दावा कराते हैं, ये का सच्चाई है जो तो अपन सब जाना थे, हिंदू सनातन धर्म जाना थे, ऊपर से उनके लाने जो भी बुरा लग रहा है कि वे हिंदू राष्ट्र बनावे की मांग कर रहे हैं,
सबसे ज्यादा बड़ो दुख तो उन किला ने जो है ये बागेश्वर धाम सरकार हिंदू राष्ट्र किला ने बनावे की बात कर रहे, सनातन धर्म को आगे बढ़ावे की बात कर रहे, जो कि उन किला ने बुरा लग रहा है। तो बुरा न लगे आप और किला ने भैया आ रो, अपने ही लाने भलाई है, मैं अपने ही लाने सबके लाने भलाई है, अपने खुद के लाने तो वे कर नहीं रहे हैं। इतनी जान पे जान मतलब हथेली पे रख के इतनी दुनिया भर से बुराई मूल ले रहे, तो भी खुद के लाने तो ले नहीं रहे, अपने ही औरों के लाने कर रहे और अपने ही और हैं। अगर उनको साथ न देवी, उनको संग न देवी, तो फिर देह को दूसरे देश के आ है का उनको संग देवी। दुनिया विदेशों के आदमी तो सनातन धर्म को अपना रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, और अपने देश के आदमी सो लगे हैं गिरावे के लाने। चलो ठीक है, आज की वीडियो में तो इतनी जानकारी, अगली जानकारी मिले अगले वीडियो में। जब तक ये वीडियो हो लाइक कर दे, जो चैनल को कर दे जो सब्सक्राइब, जो भी न करो हो तो ठीक है, मिले अगले वीडियो में। तब तक के लाने जय श्री राम।